अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर पानी बेजरर ना हो तो इसे पीने से हमें क्या खतरा हो सकता है? पानी पीने की वजह से हमें इससे बीमार हो सकती है, अच्छा इससे हमें सेहत को खराब हो सकती है। अच्छा अगर पानी बेजरर ना हो तो इसे पीने से हमारी सेहत खराब हो सकती है, इससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। अभी हम पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, जिसके लिए अक्सर घरों में हम जो है मटकों का इस्तेमाल करते हैं पानी जखीरा करने के लिए, या फिर ऐसे किसी बर्तन में पानी जमा कर सकते हैं जिसमें कचरा ना गिरता हो। जैसे कि आप इस मटके को देख रहे हैं, अब इसमें हमने पीने का पानी रखा हुआ है, मगर अब पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर का ढक्कन उसको हटाते हैं और फिर ऐसे ग्लास को उसमें डालकर पानी को बाहर निकालते हैं। मगर इससे क्या होगा, जो मेरे हाथ को जरासीम लगे हुए हैं, मिट्टी लगी हुई है, वो काले नहीं मटके के अंदर, इससे क्या होगा, पानी खराब हो जाएगा, पानी आलूदा हो जाएगा। इसकी वजह से पानी आलूदा हो जाएगा और फिर हम इसको पीने से क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। बराबर। अब देखिए, अगर ये मटके का ढक्कन मैं हटा दूं इस तरीके से, तो इसमें धूल मिट्टी गिरेगी, जिससे क्या होगा, पानी इससे खराब हो सकता है, पानी खराब होगा। इसलिए हम मटके को या बर्तन को ढककर रखते हैं, जिससे कि इसमें कोई धूल मिट्टी ना जाए और पानी खराब ना हो। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा, अगर हम पानी पीने या खाना पकाने के जो बर्तन में अगर ऊपर से हाथ डाल के पानी इस्तेमाल करें तो उसमें कचरा या गर्द गिर सकती है, जिससे वो पानी आलूदा हो जाता है और हम बीमार हो सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये भी एक मटका है, मगर इस मटके को टुंडी है, यानी कि नल दिया हुआ है। अब अगर मैं इस नल से पानी लूंगा इस तरीके से, तो पानी आ रहा है, अभी पानी को पी रहा हूं, ओके, अभी पानी पी रहा हूं, इसमें कहीं भी मेरा हाथ मटके में गया नहीं गया मटके में। अब मटके में हाथ नहीं गया तो कचरा मटके में जाएगा, नहीं, अब ऊपर से ढका हुआ है तो ना कचरा जाएगा ना गर्द जाएगा, जिसकी वजह से पानी जैसे के वैसे आलूदा भी नहीं होगा और साफ भी रहेगा, इससे हम लोग बीमार नहीं होंगे। अब ये जो हमारा मटका है, अब इसमें जो जब भी हम नया पानी भरते हैं, नल आते हैं हमारे, तो इसको अच्छी तरीके से साफ कर धो लेते हैं, उसको फेंक देते। अगर कुछ जरासीम जमा भी हुए तो धोने के बाद में क्या होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, तो हम नया पानी उसमें धोके भर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग पीने के पानी का एहतियात करते हैं, यानी कि इसको अच्छे से और साफ सुथरा रखते हैं। और इसी के साथ साथ भी क्या आप लोगों को पता है, पानी जितना, बताओ पानी बासी होता है क्या? नहीं, पानी बासी नहीं होता। अगर पानी कई हजारों साल भी रखा जाए तो बासी नहीं होता, जैसे के वैसे ही रहता है। और जो बेजरर पानी होता है, इसकी खासियत होती है, बेजरर पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। अगर आप जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई अगर कलर का दिख रहा है आपको, पीला सफेद अच्छा रंग बिरंगी का पानी दिख रहा है, या उसमें से कोई किसी तरह की बू आ रही है, इसका मतलब वो पानी बेजरर नहीं है, वो आपकी तबीयत को खराब कर सकता है, तो ऐसे पानी का इस्तेमाल ना करें।